साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए माता दुर्गा जी का एक बीज मंत्र और उनको मनाने की एक साधारण विधि बताने जा रहा हूँ। और जो इसका जाप है आप अपने घर के बने मंदिर में ही नित्य कर्म अनुसार ही इसका जाप करते रहें। यह जाप करने के लिए आपको किसी बंधन की ज़रूरत नहीं। जैसे आप सुबह और शाम अपने घर में माता दुर्गा जी की जोत लगाते हैं, उनकी दियाबाती करते हैं, उसी विधि के अनुसार आप इसका जाप करते रहें। अगर जैसी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी विधि के अनुसार अगर आप इसका जाप करेंगे माता दुर्गा जी का, तो माता दुर्गा जी आपको साक्षात दर्शन देगी, आपके सन्मुख आएगी, आपको सपने में दर्शन देगी। और आपके इस संसार में कोई भी ऐसा कारोबार है या आपको कोई समस्या है तो माता दुर्गा जी उन कार्यों को निर्विघ्न संपूर्ण करेगी। जो भी श्रद्धा के अनुसार इस विधि के अनुसार माता जी का नित्य कर्म अनुसार इसका जाप करेगा, यही विधि अपनाएगा, तो माता दुर्गा जी उस व्यक्ति को साक्षात दर्शन देगी। दर्शन ही नहीं देगी, अगर आपके घर में कोई भूत बाधा है, कोई ओपरी पराई है, तब भी माता दुर्गा जी आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी। इस मंत्र के जाप के लिए केवल भक्तजनों आपने किसी तामसी भोग प्रसाद का सेवन नहीं करना और माता रानी की जिस विधि से मैं आपको कढ़ाई बता रहा हूँ उसी विधि के अनुसार आप कढ़ाई लगाते रहें। तो भक्तजनों में माता दुर्गा जी का आपको ये बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ, सुबह और शाम नित्य कर्म अनुसार जैसे भी आप माता दुर्गा जी की जोत बत्ती करते हैं उसी विधि के अनुसार आप इसका जाप कर सकते हैं माता दुर्गा जी के इस बीज मंत्र का। लेकिन कम से कम 11 माला का भक्तजनों आपको जाप करना पड़ेगा। सुबह और शाम दोनों समय मिलाकर भी आप जाप कर सकते हैं और 11 माला का आप सुबह और शाम भी इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन माता दुर्गा जी के ऊपर पूरी आस्था रखने के बाद, माता रानी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखने के बाद और शुक्ल पक्ष के जब भी ये जाप आपने आरंभ करना है, इस मंत्र जाप जब भी आपने शुरू करना है तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार वाला दिन होना चाहिए और उस दिन भक्तजनों आपने माता दुर्गा जी की नाम की कढ़ाई बनानी है, देसी घी का हलवा बनाना है और उसके ऊपर चार आपने लड्डू रखने हैं, बूंदी वाले लड्डू रखने हैं चार, दो लड्डू रखने आपने भैरवनाथ जी का नाम लेकर और दो लड्डू रखने आपने हनुमान जी का नाम लेकर। और जो आप माता दुर्गा जी की जोत लगाते हैं जिस विधि के अनुसार उसके ऊपर आप इसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसका आपने 11 माला या 5 माला का भक्तजनों जाप करने के बाद, इस कढ़ाई को पूरे घर में से घुमाने के बाद, अपने सर के ऊपर से घुमाने के बाद बाहर दरवेश को कुत्ते को डालें। और जब अष्टमी वाला दिन हो, अष्टमी वाले दिन भक्तजनों ये जो कढ़ाई आपने थोड़ा सा हलवा ज़्यादा बनाना है, थोड़ा सा उसमें से आपने माता दुर्गा जी को भोग लगाना है और इसी प्रकार से आपने चार लड्डू भी रखने हैं, जोत के ऊपर आपने भोग लगाना है। उस दिन भक्तजनों आप माता दुर्गा जी का अष्टमी वाले दिन छोटा सा आप खुद भी हवन कर सकते हो। ये जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा इस मंत्र का जाप करने के बाद आप आहुतियाँ डाल सकते हो, बेरी की लकड़ी या आम की लकड़ी के ऊपर आप हवन कर सकते हो, देसी घी से आप हवन करें और उसके बाद ये भोग प्रसाद माता रानी का हलवा दें। लड्डुओं का भोग लगाने के बाद इसी विधि के अनुसार अपने ऊपर से वार के इस कढ़ाई को भी आप दरवेश को डाल दें और आपने एक कंज का पूजन करनी है, जो कढ़ाई शेष बची है उससे आप एक कंज का पूजन करें और उनको चरण स्पर्श करें, उनको दक्षिणा दें, इससे माता दुर्गा जी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी अगर आप श्रद्धा के अनुसार इसका जाप करेंगे। लेकिन पाक साफ होने के बाद ही भक्तजनों आपने इसका जाप करना है। और ये जो मंत्र जाप है, जो बीज मंत्र है, इसका जो जाप है स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अगर आप एक नित्य नियम बना लें भक्तजनों के, आपने सुबह और शाम माता रानी का जाप श्रद्धा के अनुसार करना है और माता रानी के आगे आप अरदास बेनती करें, माता रानी से निवेदन करें कि माता रानी आप हमें साक्षात दर्शन दें
और जो भी हमारे शरीर में और हमारे परिवार में विकार हैं उनको आप दूर करें तो माता दुर्गा जी निर्विघ्न इस कार्य को संपूर्ण करेगी। अगर आपको विश्वास है, जहाँ विश्वास है वही भगवान है। माता रानी के ऊपर विश्वास रखने के बाद भक्तजनों आपने इस बीज मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको भक्तजनों आप बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों आपको कोई नीचे आसन लगाने की जरूरत नहीं, जैसे आप परिवार में रह रहे हैं उसी प्रकार से रहें, लेकिन माता दुर्गा जी का पाक साफ होने के बाद जाप करते रहें जो मैं आपको ये बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र का जाप करने से पहले भक्तजनों आप दुर्गा सप्तशती का जाप कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, भैरव चालीसा का आप जाप भी कर सकते हो, सुबह और शाम दोनों समय आप इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन माता दुर्गा जी की ज्योत जगाने के बाद आपने रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आपने जाप करना है जो भक्तजनों में आपको ये बताने जा रहा हूँ। साधारण सा मंत्र है भक्तजनों, बीज मंत्र है, हर प्राणी को ये मंत्र याद होता है। और आपने कैसे जाप करना है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चि, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चि, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चि। यह है माता रानी का भक्तजनों बीज मंत्र और इसका मैंने जो आपको भोग प्रसाद बताया है। अगर आप इसी विधि के अनुसार माता दुर्गा जी का जाप करेंगे और इसी विधि के अनुसार अगर आप इनका भोग प्रसाद देते रहेंगे तो माता दुर्गा जी आपको साक्षात दर्शन देगी, आपको सपने में दर्शन देगी और आपके घर के आपके परिवार के जो भी कोई ऐसा कार्य है निर्विघ्न माता उनको पूर्ण करेगी। और ऊपरी वादा किए कराए जादू टोने यंत्र मंत्र से माता रानी आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी। हनुमंत और बाबा भैरवनाथ जी के साथ जो भी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करेगा और इस विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद देता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि भक्तजनों ये जो मंत्र जाप है कि आप सुबह शाम इसका जाप कर रहे हैं, आपने कोई संकल्प नहीं लेना। कई बार गृहस्थी इंसान को कोई काम पड़ जाता है तो आप अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप इसको गाड़ी में बैठने के बाद भी इस मंत्र का जाप करते रहें, नित्य नियम इसका एक बना लें और माता रानी की प्रतिमा अपने मन में बसाएं तो माता दुर्गा जी आपको साक्षात दर्शन देगी, जो भी माता रानी जी के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखेगा। और घर के बने मंदिर में ही आप माता दुर्गा जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उनसे वचन ले सकते हैं। जो भी इस श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करेगा और इस विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद लगाएगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।